मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केकी के निधन से देश भर में शोक की लहर है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है, राम भक्त उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास कर दिया है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने आज सुबह एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं डाला, बल्कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों का मूल्य 135 रुपए सस्ता कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को प्रमुख लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उन्नत रॉकेट सिस्टम प्रदान करेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2745 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुजरात के भावनगर में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां कार और डंपर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के झांसी के एसएसपी ने बताया कि आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शोरूम में आग की सूचना मिली है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। लुधियाना जलंधर मुख्य मार्ग पर लाडोवाल टोल प्लाजा के नजदीक आज प्रातःकाल लुटेरों द्वारा बस कंडक्टर से नकदी लूटने की घटना के बाद गुस्साए लोगों द्वारा वहां प्रदर्शन किया जा रहा है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है, क्योंकि उसे पुलिस द्वारा झूठे एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं और 18 नागरिकों की हत्या कर दी गई है।